आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज 4.1 को आज हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में हमें बोला जा रहा है कि चेक वेदर दी फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें जो इसने इक्वेशंस हमें दी हैं इस क्वेश्चन में, उसे हमें चेक करना है कि और बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका ये हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला जा रहा है, इसने इक्वेशन दी है हमें, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, गिवन जो है हमें ये गिवन है इक्वेशन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। तो अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है हमारी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारे पास फार्मूला है उससे हम इसको कर देंगे सिंप्लीफाई, और इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये हम लगा देंगे इसमें और इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको करते हैं हम, तो एक्स प्लस वन जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि टू एक्स हो जाएगा ये, और प्लस वन, वन का स्क्वायर जो है वन ही होता है, तो ये वन हो जाएगा इजिकल टू, ये टू को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई होगा थ्री से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और ये टू एक्स, जब ये प्लस का टू एक्स है, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का टू एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस टू एक्स हो गया प्लस वन, ये माइनस का सिक्स है, और ये जब इधर आएगा तो ये माइनस का सिक्स प्लस का सिक्स हो जाएगा, प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस टू एक्स का है और ये माइनस टू एक्स का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्लस सिक्स प्लस वन, ये हो जाएगा सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये हम देखें अगर उससे जनरल फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ये मैच करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारा ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बी और सी बेशक जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें ए जीरो नहीं है, इसमें जो है बी जीरो है। ठीक है ना, क्योंकि बी इसमें नहीं है, एक्स की वैल्यू नहीं है, ये सी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। तो हम लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जनरल फॉर्म से हम इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, ए की वैल्यू इसमें वन है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। बी एक्स, यहाँ बी जो है जीरो है, बी बेशक जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए जीरो नहीं होना चाहिए तभी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और सी हमारा सेवन है तो इससे ये मैच कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये इस तरह से हमने इसको प्रूव करा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये इसके स्टेप्स थे इस क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट को। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो
और आप इंट्रोडक्शन अगर आपको देखना हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या होती हैं और किस तरह से इसे देखा जाता है, तो आप मेरी इंट्रोडक्शन की इससे पहले वाली वीडियो को आप चेक कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये हमने तरीका इसको करा सॉल्व करने का और इसको कंपेयर करा और देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, तो अब हम इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है सेकंड पार्ट को देखते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। जब भी क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो और बेल का नोटिफिकेशन दबाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो जब भी मैं वीडियोस डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाएगा, तो आप कोई वीडियो मेरी मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इन्हें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।